I got the boarding pass. I got up, sorry. They were Ryan Airways, and your boy is flying to London. What is this behavior I learned? So hey guys, welcome back to my channel. My name is Pranav. You guys are watching Joshing Around, but let's get started. तो अभी मैं जा रहा हूँ लंदन. तो लंदन में जा रहा हूँ मैं ल्यूटन एयरपोर्ट, क्योंकि हीथ्रो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था. मतलब 166 की पड़ रही थी फ्लाइट. बट अभी जो मेरी फ्लाइट पड़ी है लंदन जाने की और लंदन से वापस आने की, वो पड़ी है सिर्फ 32 यूरोस. लिटरली 32 यूरोस की आना जाना पड़ रहा है. और साइड बाय साइड जो मेरा एक्स्ट्रा बैगेज है, दैट वाज लाइक 30 यूरोस और समथिंग. तो 66 यूरो इन टोटल मुझे पड़ा विद 10 kg बैग लंदन जाना और लंदन से वापस आना. तो अभी फटाफट लंदन चलते हैं. ओ सॉरी, अरे यार मैं लंदन ही आ गया सीधा पिकाडिली सर्कल. अरे मैं तो पूरा वे दिखाना चाह रहा था यार कि कैसे आते हैं, फ्लाइट में भी बैठो सारी चीज़ें, सीधा लंदन आ गए. ऐसा करते हैं, देखो मैं तो बहुत मचा रहा हूँ भाई, मेरे तो बहुत मज़े चल रहे हैं. अभी वापस चलते हैं क्योंकि मेरी कॉर्क से अभी फ्लाइट है लूटन की लंदन की, तो पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद आज के दिन तो दिखाता ही रहूँगा. चले वापस चलो. वो सॉरी यार, सीधा लंदन पहुँच गया था यार. अभी पूरा प्रोसेस भी तो दिखाना है कि एयरपोर्ट में तुम्हारा भाई बैठेगा, चेक इन कराएगा, फ्लाइट में वो सब भी तो सीन है. तो हाँ भाई, आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर माय ट्रिप? इंडीड, क्योंकि इंडीड में ये भी है कि हमारे लिए भी लेके आई हो कुछ अगर जा ही रहे. मिलते हैं जल्दी. बाय 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 बाय. चलो ब्रो, हैप्पी जर्नी. बाय बाय. द कॉर्क एयरपोर्ट, ये दिख जाएगा आपको डिपार्चर्स. कॉर्क एयरपोर्ट आगे लगा हुआ है, दिख नहीं रहा. तो कॉर्क एयरपोर्ट आप देखा जाओ तो बहुत ही साइलेंस है, क्योंकि डबलिन एयरपोर्ट इज द मेन लाइक मेन हब, तो वहाँ पे ज़्यादा. बट थैंकफुली मेरी फ्लाइट कॉर्क से थी, तो कॉर्क एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ. अभी बज रहे हैं 6:15, मेरी 8:30 की फ्लाइट है. तो फटाफट अंदर जाके हैं, चेक इन वेक इन कराते हैं. लेट्स गेट दिस ट्रिप स्टार्टेड. I got the boarding pass. I got up, sorry. They were Ryan Airways, and your boy is flying to London. Boarding pass mil chuka hai, ab gate pe chalte hain. Security check in hoga, usme time wagera lagega to pura karwate hain. Security check in ho chuka hai, piche dekho ye pura security check in chal raha hai. To agar jo mera covid cert tha wo kisi ne nahi manga, ना कोविड का कोई प्रूफ मांगा, वैक्सीनेशन का कुछ भी नहीं मांगा था, सिर्फ मेरा पासपोर्ट बोर्डिंग पास चल चुका है. तो अब मैं आ चुका हूँ जी फ्री पे. थोड़ी बहुत चॉकलेट्स ले लूँगा, सस्ती मिलती है सुना है. और बस चॉकलेट लूँगा थोड़ी बहुत. अब यहाँ के आइलैंड के ड्यूटी फ्री में एक नई चीज़ हुई है कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू EU प्राइस एक्सपेंसिव होते हैं, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड EU, दैट जैसे कि अभी मैं जा रहा हूँ UK, तो प्राइजेस अलग होते हैं. जैसे मैं इंडिया भी गया था जब एक बार डबलिन से, प्राइजेस सस्ते मिले थे. बट अगर तुम यूरोप में जा रहे हो तो प्राइस तब भी एक्सपेंसिव होते हैं, बट अगर तुम आउटसाइड यूरोप जा रहे हो तब तुम्हें प्राइस ज़रूर सस्ता मिलता है. ये से लग रही है भाई टॉमी हिलफिगर की, क्योंकि 20 यूरो की पड़ रही है, 7 यूरो बच रहा है. ये शायद ले लूँ, थोड़ा बजट में आ रहा है ये वाला, ठीक है ये वाला ले सकते हैं. ड्यूटी से शॉपिंग हो चुकी है, बहुत सारा सामान उठाने का. यही चीज़ें मुझे एयरपोर्ट की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत सारी चीज़ें सस्ते में आ जाती हैं. अब चलते हैं अपने गेट की तरफ और वहीं पर वेट करते हैं. बाहर देखोगे तो बहुत ज़्यादा डार्क सा हो चुका है, छोटा सा ही एयरपोर्ट है कॉर्क का, ज़्यादा कुछ बड़ा एयरपोर्ट नहीं है. वैसा इस पर देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ चेक द स्क्रीन फॉर दी गेट, क्योंकि बोर्डिंग पास पर गेट ही नहीं लिखा हुआ. अब यहाँ पे मैं देखता हूँ तो गेट नंबर मेरा वहाँ पे पता नहीं कैमरे में आ रही होगा, बट 8 नंबर गेट है. तो चलो 8 नंबर गेट पे चलते हैं. फाइनली आ गया अपने बोर्डिंग गेट पे, गेट नंबर 8 है. छोटा ही गेट है, सिर्फ 8 गेट ही हैं कॉर्क एयरपोर्ट पे, छोटा एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ की जो फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो भी काफ़ी कम होती है. बैग वैग सारे यहाँ रख लिए. नाउ लेट्स वेट फॉर द फ्लाइट टू कम. अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 7:15, मेरी 8:30 की फ्लाइट है, तो 1 घंटे से ऊपर है. तो अब 1 घंटा यहाँ पे बस बैठो और रेस्ट करो. वैसे पूरे आयरलैंड का रूल है कि यहाँ पे फेस मास्क नहीं है, अब फेस मास्क हटा दिए, तो मैं नहीं लेके आया था, बट अब फेस मास्क नहीं है, लेकिन फ्लाइट में तब भी फेस मास्क चाहिए. तो मैं जा रहा हूँ एक फेस मास्क खरीदने, उसके बाद अपनी एंट्री शुरू होगी. मास्क लिया, पूरा चल के जा रहे हैं एयरपोर्ट की जो वो रोड नहीं होती जिसमें वो बस लेके जाती है सारे पैसेंजर्स को, वहाँ पे हम खुद अभी चल के जा रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट सही में बहुत ज़्यादा छोटा है.
फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अगर रायन एयरवेज फ्लाइट है जो मैंने बुक करी है, बट देखा जाए तो स्पेशियस काफ़ी है। अगर देखा जाए तो मेरा ड्यूटी फ्री का सामान, बैग, और मेरे भी काफ़ी फुट स्पेस है। साइड में भी कोई बैठा नहीं है, तो मैं बस होप करता हूँ कोई बैठे ना, क्योंकि मैं आराम से चिल करता हो जाऊँगा। और अब यहाँ से 8:30 बजे फ़्लाइट शुरू होगी। अभी क्या टाइम आ रहा है, एक तो मेरी घड़ी ख़राब हो जाती है। अभी 8 बज रहे हैं, अभी 35 मिनट में 35 मिनट्स में फ़्लाइट होगी, और 1 घंटा 15 मिनट की फ़्लाइट है कॉर्क टू ल्यूटन एयरपोर्ट। अगर देखा जाए तो कॉर्क से डबलिन लगता है 3 घंटे, 3 घंटे मुझे डबलिन जाने में लगता है, लेकिन 1 घंटे में मैं लंदन पहुँच रहा हूँ। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर आयरलैंड। फाइनली रीच द ल्यूटन एयरपोर्ट। 1 घंटे की फ़्लाइट थी, बहुत जल्दी पहुंच गया भाई। ऐसा लगा बस फ्लाई हुई फ्लाइट और इनसे लैंड हो गया। तो ये रहा एयरपोर्ट, ये मतलब एयरपोर्ट कह रहा हूँ, ये रही मेरी फ़्लाइट। ये छोटा सा एयरपोर्ट है। तो आज मैं ल्यूटन उतरा हूँ, क्योंकि हीथ्रो जो है वो लंदन में बिल्कुल सेंटर में लंदन का है, और वहाँ पर फ़्लाइट्स बहुत महंगी आ रही थी। ये वाली मेरी फ़्लाइट सिर्फ 32 यूरोज़ की थी, तो ये सस्ती थी, तो ल्यूटन एयरपोर्ट आ गया। चलो इमिग्रेशन के बाद मिलता हूँ आप। आउट फ्रॉम द एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे सामने तो बस स्टैंड हैं, यहाँ से लेके वहाँ आगे कोने तक हैं। तो मैंने जो एयरबीएनबी बुक कराया था, उस बंदे ने पूरी इंस्ट्रक्शंस दी थी कैसे एयरपोर्ट से वहाँ तक पहुँचना है। तो उसने बोला कि यहाँ से एक बे ए, वो मतलब ए और बी, ए और सी दो बसेस स्टैंड होते हैं, ए बस स्टैंड ए और बस स्टैंड सी, वहाँ से मुझे फ्री बस शटल मिलेगी। मुझे वो फ्री बस शटल लेनी है, फिर वहाँ पे वो मुझे एक जगह उतारेगी, फिर वहाँ से 10 मिनट्स वॉक है, वहाँ से मैं कैब ले सकता हूँ। तो कैब के लिए यहाँ पे फ्री नाव चलती है, फ्री नाव तो आयरलैंड में भी है, बॉल्ट एक नया आया है, वो आयरलैंड यूके दोनों में है, और ऊबर भी चलती है, तो तीनों है। तो या तो मैं यहीं से कैब ले लूँ, यहाँ से पड़ेगी £16-17, नहीं तो मुझे वहाँ से, अगर मैं फ्री शटल लेता हूँ, फ्री शटल मुझे आधा वे पहुँचा देगी, तो मैं सोच रहा हूँ पहले फ्री शटल लेता हूँ, फिर वहाँ से उतर के देन आई विल टेक अ कैब। एयरपोर्ट के बाहर ही सारे आपको बसेस मिल जाएंगी, तो मैं भी एक बस में बैठ चुका हूँ। वहाँ पे जो ड्राइवर था, मैंने उससे पूछा था कि प्रेसिडेंट वे वाज द एरिया जहाँ पे मुझे उतरना था, तो मैं कहा वहाँ पे जाना है, कहता हाँ हाँ ये बस जाएगी एंड इट्स फ्री, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे। वहाँ पे उतर के दैन देखता हूँ, अगर वॉक करने का हुआ और सही लगा तो वॉक कर लूँगा, नहीं तो आई विल बुक अ कैब फ्रॉम देयर। बाकी देखते हैं, बस काफ़ी सही है, स्पेशियस है, यहाँ पे सारा सामान रखने की जगह दे रखी है, थोड़ी बार बैठने की जगह है। सर दर्द हो रहा है मेरा, ऑल दो 1 घंटे की फ़्लाइट थी, बट ठीक थी, बट द फ्लाइट वॉज गुड, मतलब मुझे स्पेशियस फ्लाइट लगी थी। रायन एयरवेज इज़ गुड, अच्छा लगा, इट वॉज गुड ट्रैवल फॉर रायन एयरवेज। सो आई गॉट ऑफ द प्रेसिडेंट वे, दैट्स द नेम ऑफ द जगह जहाँ पर मैं उतरना था। अब यहाँ से इट्स लाइक 7 मिनट्स वॉक दिखा रहा है, तो लाइक 7 मिनट्स तो अपन वॉक कर सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया जो मैंने एयरबीएनबी बुक कराया था, मैंने एक दिन के लिए कराया था, क्योंकि अभी रात को आया था, मगर रात को ट्रैवल मेरा मन नहीं है लंदन का जाने का, और प्लस चेक इन्स लेट भी, मतलब सुबह ही होते हैं मोस्टली। लेकिन ये वाले एयरबीएनबी वाले बंदे से मैंने बात कर ली थी, मैंने उसको बोला था कि यार मेरा लेट चेक इन होगा, इज़ लाइक यार नो वरीज, तुम आ जाओ लेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे मेरी बात हो गई है, तो जस्ट 7 मिनट्स वॉक है यहाँ से, एयरपोर्ट के पास ही है बिल्कुल, तो लेट्स गो देयर। बहुत सन्नाटा सा हो रखा है, और शायद यहाँ पे नीचे जाके गेट नंबर 4 है, वो चेकआउट करना है। गिव्स अ लंदन वाइब, बट ज़्यादा ठंड वंड ज़्यादा कुछ फ़र्क पता नहीं चल रहा आयरलैंड और इधर, ज़्यादा लाइटर को आयरलैंड और लंदन में ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चल रहा, बट अंदर जाके देखते कैसा है। तो फाइनली पहुंच गया हूँ अपने एयरबीएनबी। तो एयरबीएनबी है एक्चुअली एक फैमिली शेयरिंग है, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक फैमिली रहती है, ऊपर वाला रूम उन्होंने मुझे दे रखा है। इसमें अभी धीरे बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। सारा बैग वैग वहाँ रख दिया, तो एक सोफ़ा मिल गया है, ये टेबल हो गया है, ये बड़ा सा बेड है, यहाँ पे फैल के सोऊंगा मैं। और यहाँ पे कपड़े टांग निकला जो मैं लाया नहीं हूँ, मैं वैसे भी कपड़े टांगता नहीं हूँ, तो सही है। छोटा सा एयरबीएनबी है देखा जाए तो, मिरर, तो छोटा सा रूम है, इतना सा एक बेड हो गया, एक तुम्हारा ये काउच हो गया, और साथ में कॉफ़ी मिल जाएगी, कॉफ़ी, चीनी, चाय, पानी, कप, और फिर ये चार्जर यूनिवर्सल। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, जो आयरलैंड में चार्ज चलता है वही यहाँ यूके में भी वही चलता है, तो आयरलैंड का भी सेम चार्ज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ सही है, थोड़ा छोटा सा है, अगर देखा जाए तो मेरा
ऑलमोस्ट हाथ ऐसे टच हो ही जाता है, तो ज़्यादा लंबा सा नहीं है, बट यही छोटा सा रूम है जो पड़ा मुझे देगा 30 यूरो पर नाइट का। तो 30 यूरो पर नाइट का है। अब जो मुझे डॉम्स मिल रहे थे, डॉम्स में क्या होता है कि तुम्हें शेयरिंग में रहना होता है और लोगों के साथ, तो डॉम्स मुझे पड़ रहे थे 25-27 यूरो का, और ये वाला मुझे 30 यूरो में मरा। तो मैंने कहा अगर 3 यूरो मेरे एक्स्ट्रा जा रहे हैं उसमें मुझे पूरा अपना एक घर सा मिल रहा है, एक रूम मिल रहा, तो क्यों नहीं। तो बस यही है, ये सारा रूम है। अब यहाँ पर रिलैक्स करूँगा, सुबह की मेरी बस पकड़ूँगा मैं यहाँ ल्यूटन से अपना लंदन, जो लंदन सेंट्रल लंदन है वहाँ के लिए। तो बस यही है, ठीक है। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। लंदन की अभी पूरी सीरीज आने वाली है। टिल देन मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट। ये पूरी चढ़ान देख रहे हो भाई साहब, और ये दो ऐसे लदे हुए बैग थे, इतना ज़्यादा सामान हो चुका था कि बहुत भारी लग रहा था। अभी उतरते हुए ठीक लग रहा है, मुझे लगा ट्रेन है, क्योंकि जब मैंने जिस साइट से बुक कराई थी उसमें ट्रेन लाइन लिखा हुआ था, तो मेरे माइंड में तब से था ट्रेन लाइन मेरा ट्रेन है, बट उसके नीचे लिखा हुआ था नेशनल एक्सप्रेस, तो ये नेशनल एक्सप्रेस लिखा हुआ है, तो नेशनल एक्सप्रेस की बस होती है। इंटरनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नेट नहीं होगा तो रास्ते भूल ही जाओगे। मैं बार बार गूगल मैप से देख रहा हूँ सारे रास्ते।